जय श्री राम अमृता भाइयों को, तो कहते हैं आप सब लोग स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको गिफ्ट की वो स्पेशल आइटम बताऊंगा जो रनिंग हमारी बिकती है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही सामान रखा हुआ है जो 12 महीने बिकता है। ऐसी कोई आइटम मैंने रखी नहीं जो मेरी बिल्कुल बोल्ड हो जाए, जो मेरा पैसा फंस जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में अब तो मैं जैसे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या आइटम चल रही है और क्या बिकती है और कौन कौन सी आइटम अपनी जो 12 महीने बिकती है। कुछ आइटम मैं जैसे कहता हूँ सब आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे किसी तरह की स्टेशनरी की कोई नॉलेज नहीं मिलती थी। मैं वीडियो देखता था नेट पे, मुझे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मैंने जैसे मेरे को लॉस तो हो गया, लेकिन अब जो माल मैंने है अपना पुराना किसी तरह निकाल दिया। अब फिलहाल जो भी माल मेरी दुकान पर ना लगभग वो है जो चलने वाला है। थोड़ा बहुत है जो पहला बोर्ड है, लेकिन ज़्यादातर वो है जो 12 महीने चलने वाला है। तो इसी तरह का आज मैं आपको एक पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा आपको कि गिफ्ट में कौन सी आइटम चलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके भी पैसे जो हैं वो फंस जाएं और बेकार हो जाए आपका, क्योंकि हर बंदा अपनी जेब के हिसाब से ही बिजनेस में पैसे लगाता है। तो दोस्तों आज आपको फुल डिटेल में वीडियो मिलेगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो दोस्तों जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जब भी नई मेरी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब आपको उसका पता लग जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी दुकान तो पता ही है, मतलब आपने मेरी हर वीडियो में मेरी दुकान ही देखते हो, तो आपको पता है ये मेरा स्टेशनरी का पोर्शन है और ये मेरा गिफ्ट का पोर्शन है। लगभग इसमें सब गिफ्ट है, स्टेशनरी कोई इक्की दुक्की पड़ेगी वो भी जैसे किट वगैरह। तो ये मेरा गिफ्ट का एक अलग से पोर्शन है, आगे मैंने टॉय रखे हुए हैं, इधर ये गिफ्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं, फिर इधर भी ये गिफ्ट पड़े हैं। तो आज मैं आपको वो गिफ्ट दिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा चलता है, जिसमें हमें इनकम भी अच्छी है और उसमें मुनाफा भी अच्छा है, लागत भी कम है। क्योंकि सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि इंसान को कम लागत में ही काम करना चाहिए, ये नहीं है कि शुरू में स्टार्टिंग में हम महंगी महंगी आइटम उठा लाएं। तो आज आपको डिटेल में वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन सी आइटम है जिसमें हमारी लागत एक लिमिटेड स्तर पर है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते और इनकम हमारी अच्छी है। क्योंकि इनकम अच्छी होगी और पैसे कम लगेंगे तो ही फायदा है, अगर हम पैसे ज़्यादा लगाएंगे इनकम कम रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए, तो उस इनकम अच्छी के लिए ही आपको सामान दिखाऊंगा और वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आइटम आती है हमारी कोलाज, सबसे पहले कोलाज। अब कोलाज दिखाता हूँ कौन से हैं। सबसे पहली जो आइटम है कोलाज की वो है ये, यह है 260 रुपये इसका रेट रखा हुआ है। इसको मैं लास्ट, बिल्कुल लास्ट 220 तक बेच सकता हूँ, बिल्कुल लास्ट है 220 तक, ये मेरा लास्ट होता है, मतलब 260 लिखा हुआ है, इससे कम मैं नहीं करता। हाँ अगर पैकिंग वुकिंग नहीं करवानी, ऐसे ही लेके जाना है तो 210 भी कर दूंगा, अगर पैकिंग करवानी सब कुछ करवाना है वैसे तो पैकिंग होके जाता है। तो अगर 260 लिखा है तो 220 लास्ट रेट होता है, ठीक है। फिर ये भी 260 में है, ये थोड़ी अलग क्वालिटी, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। इनमें मेरे पास कलर भी इनमें पड़े हैं, ठीक है। फिर आता है 220 में ये वाला, इसका लास्ट मेरा 200 रुपये, 190 रुपये लास्ट रहता है इसे बेचने का मेरा, 190 तक लास्ट, उम्मीद मैं 200 तक ही रखता हूँ। फिर आता है ये वाला, इसके रेट यार मेरे से मिट गए हैं, देख लिए भी ऐसे है 220-240 तक का ये वाला। एक बार जरा मैं एक बार रेट देख लूँ आपको पता लग जाए क्या रेट है, 240 रुपये लिखा है मैंने ये वाला, इसका लास्ट में 200 रुपये लास्ट, 200-210 बस इतना, इससे कम नहीं करता मैं इसको। अब एक चीज़ बता दूँ, इस तरह का कोलाज तो आप ला के रख सकते हो, ये थोड़े पुराने डिज़ाइन हो गए हैं क्योंकि दुकान जब मैंने खोली तब बहुत सारे लाया था मैं, तो इस तरह के रेट में मतलब 200-250 बस इतने तक के रेट के आप कोलाज ला सकते हो, क्योंकि अब कोलाज का फैशन ना एक तरीके का कम हो गया है। लोग सोचते यार इनमें फ़ोटो भी लगाएंगे वो, या फ़ोटो हमें लगानी पड़ेगी, तो लोग ना थोड़ा वो कर जाते हैं, मतलब ढीला बनता है यार कौन फ़ोटो लगवाए, जिस घर में जाता है वहाँ भी पड़ा रहता है। तो कोलाज का फैशन पहले से कम हो गया है, लेकिन रखने पड़ेंगे आपको, रखो लेकिन कम, और 200-250-300 बस। अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखिए बड़े बड़े कोलाज पड़े हैं, ये देखिए इसका रेट है ये वाला कोलाज 660 रुपये, ये मैं लास्ट 550 का बेचता हूँ 660 रुपये। कोलाज देखो टूट भी गए, ख़राब भी हो गए मेरे, और भी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला कोलाज, ये देखिए 560 रुपये। ऐसे ऐसे कोलाज इसमें भी पड़े हैं और भी, और इनके बीच में भी पड़े हैं कोलाज बड़े बड़े, और बहुत सारी आइटमें मेरे पास मतलब बॉन्ड पड़ी है, बड़ी मुश्किल मैंने रेट टू रेट किसी तरीके से निकाल रहा हूँ। ये बिकते हैं, अगर इस तरह के कोलाज आपके बिकेंगे महंगे तो दिवाली पे थोड़े बहुत निकल जाते हैं, आम रूटीन पे ये आपके नहीं निकलेंगे इस तरह के महंगे कोलाज। और जो आपका होगा 200-250-300 तक भी एक बार आपका निकल जाएगा कोलाज, मतलब आप कोलाज शुरू कर दो 150-200-250-300 तक बस। अलग अलग डिजाइन अलग अलग कलर ले आओ शुरू में, ज़्यादा ना भरो कि एक एक तरह के डबल डबल कभी ना लाओ,
एक एक तरह के सिंगल सिंगल सारे पीस मिक्स कर लो तभी आपके बिकेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कस्टमर को वैरायटी से मतलब है, कस्टमर को क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। तो आप अलग अलग तरीके थोड़े बहुत कोलाज स्टार्टिंग में ले आओ। फिर अगली बारी आते हैं सिनरियों की, मैं भी फोटो फ्रेम ये फोटो के बारे में बताऊंगा। अब आजकल क्या चलता है, सिनरियां ज्यादा चलते हैं। देखो अगर किसी का बर्थडे है तो सिनरी चली जाएगी, किसी की एनिवर्सरी है तो सिनरी चली जाएगी, और किसी के घर की ओपनिंग है मतलब घर नया बना रहे हैं, गृह प्रवेश जिसे कहते हैं, उसमें तो सिनरी जाती ही जाती है। तो आपको सिनरियां दिखा देता हूं मैं कौन सी चलती है। एक तो होगी जैसे गृह प्रवेश है तो गणेश भगवान की बहुत अच्छी चलती है, ये वाली सिनरी जो है ये साइज देखो मेरे को पता नहीं है, मैं साइज नहीं बता सकता आपको, ये 200 रुपए मैंने लिखा है, ये 170 तक मैं इसको सेल कर देता हूँ, लास्ट 170 तक। इसका एक यह है जैसे किसी के घर बेबी हुआ है तो भी आप दे सकते हो, तो बेबी वाला है अच्छा। और इसमें ये राधा किशन वाले पड़े, इसमें फिलहाल मेरे पे 3 पड़े। अब मैं आपको बता दूं इसमें कौन से लाने हैं, गणेश भगवान जी के 2-3 तरह की क्वालिटी इसमें आप भर सकते हो। एक बात बता दूं, बात रोक के, इसमें आप वैरायटी भर सकते हो, क्वांटिटी भी भर सकते हो इसमें आप, मतलब सिनरी कोई से भी साइज की है, चाहे ये साइज है, ये साइज है, ये साइज है। इसमें जैसे कई बार बच्चा होता है छोटा, बच्चे के नामकरण के लिए तो बच्चे वाली हो गई, और अगर ये राधा कृष्ण वाली भी चलती है, और अगर जैसे घर की ओपनिंग है तो ये चलती है, और 7 घोड़ों वाली भी चलती है, 7 घोड़ों वाली बड़ी शुभ मानी जाती है। अब जैसे गणेश भगवान है तो इसमें आप 2-3 कैटेगरी ले सकते हो, मतलब गणेश भगवान की अलग अलग चूहे के साथ होते हैं और अलग अलग डिजाइन में। अब ये 7 घोड़ वाली सबसे ज्यादा चलती है, ये राधा कृष्ण की ऐसी हो गई, ये सबसे छोटा साइज है, ये आप झोपड़ी भी ले सकते हो इस तरह की ना, नेचर वाली होती है इस तरह की झोपड़ी वगैरह, ये चीज भी चलती है। राधा किशन की ये थोड़ी अलग है, तो ये आप सिंधी के साइज ले सकते हो, कोई इस तरह के फ्लावर वाली होती है, देखो फ्लावर है तो ड्राइंग रूम वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो ये गिफ्ट में अच्छी खासी जाती है। और लास्ट वाली भी देखते हैं कौन सी, ये गणेश भगवान की देखो अलग है, ये थोड़ी अलग है, ये अलग है, अभी तो मेरे पे थोड़ी बहुत खत्म है। तो ये वाली सिनरियों में ना आप इस तरह की 7 घोड़े, गणेश भगवान, किशन भगवान, और नेचर हो गया, और काफी फूल पौधे वगैरह हो गए, मतलब इस तरह की काफी चलती हैं, और 7 घोड़े वाली तो शुभ मानी जाती है, कहते 7 घोड़े वाली अच्छी होती है। तो इस तरह की सिनरी आपने लानी है। सिनरी में क्या है, लोग फटाफट पैक कराते हैं। ये सबसे छोटा साइज है, ये 140 लिखा है, ये मैं 120 लाज देता हूँ, जो सबसे छोटा साइज है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप सिनरी लाए, जो सबसे मेन चीज ध्यान रखने वाली है, सिनरियां अब टंगेंगी कैसे, सिनरी कस्टमर क्या कहेगा भैया सिनरी कैसे टंगेगी, सिनरी तो आप ले आए। इसके लिए बताता हूँ क्या करना आपको, जिससे भी आप सिनरी लोगे वो सिनरी के साथ ये चीज ध्यान रखना, ये आपको लेने हैं, ये चीज ये हो गए, और साथ में हो गए ये पेज। अब इसमें करना कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं तो हाथों हाथ लगा के देखता हूँ, वरना आप लगा के पहले ही रख दो। जैसे सिनरी इस तरह की टंगने वाली है, इस तरह की, तो आपने यहाँ पे लगाना है, इसे यहाँ पे रख दो, लकड़ी है ना ऊपर, ये लकड़ी यहाँ नहीं करना, ये लकड़ी, लकड़ी के ऊपर आपने जैसे एक मिनट थोड़ा सा मेरे तो लाई इस तरह ये पेज लगा के ना लकड़ी के ऊपर, और पेज कैसे घुमा दो, ठोकना नहीं आपने, इसे पेज कैसे घुमा दो बस, और ये अंदर फिट हो जाएगा, ज्यादा नहीं पूरा घुस दो, मतलब इसे अंदर घुस जाएगा पूरा, और लकड़ी के ऊपर ये ब्राउन सी जो पट्टी दिख रही है इसके ऊपर अपना आपने इसे घुमाना है। जो लंबे साइज की है उसे लंबे 2 लगाने हैं, जो इस तरह के साइज के चौड़े में उसे चौड़े 2 लगाने हैं, और ये आपको जिससे आप सिनरी लोगे वही देगा, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता पेज का, ये साथ में ही आती है। अच्छा अगली आइटम ये भी चलती है, लोग आम रूटीन में भी लेके जाते हैं अपने घरों के लिए, और गिफ्ट में भी चली जाती है, ये वाली इस तरह का ये बना हुआ है, इसमें कलर अलग अलग है, मैं दिखा देता हूँ। ये होता है चाबी टांगने वाला, और ऊपर आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई सामान रखना हो। ये देखने में इस तरह के हैं, ये देखिए ये टांग लिया जाता है कील पे, और नीचे चाबियां टांग लो, इसमें आप छोटा मोटा सामान रखते हो, तो या मोबाइल को भी आप चार्जिंग पे, जहाँ पे मोबाइल पॉइंट है ना आपका, तो लोग क्या जगह नहीं होती तो इसे लगा लो, इसमें मोबाइल रख दो, मोबाइल चार्ज होता रहेगा, मतलब मोबाइल को रखने के लिए ही आप रख सकते हो। और ये देखिए कितना प्यारा, ये मैं 150, 140, 130, 150 मतलब 130 तक के सेल कर देता हूँ इसको मैं। ये इस तरह के और भी डिजाइन आते हैं। अब इसमें एक अलग चीज भी दिखाता हूँ, इस तरह के चाबी टांगने वाले। अब जैसे अभी आपको चाबी टांगने वाले दिखाएं, इसमें भगवान की फोटो, देखो भगवान की फोटो है, और नीचे चाबी टांगने वाले पॉइंट बने हैं, चाबी के छल्ले वगैरह टांगने अपने, ये देखिए इसमें भी की टांगने के लिए पॉइंट बने हैं, और भगवान की फोटो, मतलब फोटो की फोटो होगी, की टांगने के लिए भी अच्छी चीज होगी। ये आजकल बहुत चल रही है, मतलब इसमें मैंने और भी रखे हैं, दिखा देता हूँ, 2 तो ये भी आपने देखे हैं, और एक ये पड़ा, ये वाला, ये व्हाइट वाला, और भी होंगे, ये भी है। तो इस तरह की ये चाबी भी टांगने वाले, और आपके भगवान की फोटो भी होगी, तो अच्छे क्या लोगों को चाहिए 100, 150, 200 में गिफ्ट, तो ये इस रेंज में होते हैं। लोग कहते हैं भैया भगवान की फोटो दिखा दो, सिंधी दिखा दो, 150 और 200 के बीच में। तो जैसे ये वाला मैंने 180 डाल रखा है, लास्ट 150 तक दे देता हूँ, 160 है, लास्ट 140 तक, 130 तक दे देता हूँ इन्हें। तो इस तरह की वैरायटियां भी अच्छी चलती हैं, और इससे 180 डालना, इससे 160, ये थोड़ा सा बड़ा आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा और अलग ही क्वालिटी है, ये थोड़ा छोटा ये अलग क्वालिटी है।
तो क्वालिटी के हिसाब से 20-30 रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें अच्छी ट्रेंडिंग में चलती है, 12 महीने ही बिकती हैं ये आपकी। दिवाली आएगी तो बिकेगी, आम बर्थडे वर्थडे आए तो बिक जाएगी, मतलब हर चीज में चलती है ये। अब हर एक को तो अभी सिक्के छल्ले वाली नहीं चाहिए, तो जैसे ये हो गई 140 लिखा है 120 तक दे देता हूँ। ये राधा किशन जी की है, देखिए कितनी प्यारी है, ठीक है। इसमें एक ही आती है, इससे ये थोड़ी छोटी है, इससे बड़ी है। 170 लिखा है, 140 तक मैं लास्ट बता रहा हूँ। वैसे मैं बताता हूँ 170 है तो 160 बता दिए, 150 बता दिए, लास्ट 140 तक देता हूँ। ये इससे थोड़ी सी बड़ी है और क्वालिटी भी थोड़ी अलग है, देखिए कितनी प्यारी है, और वो थोड़ी छोटी है इस तरीके है। इसमें एक ये वाली है, ये वाली 130 रुपये लिखा है, ये 110 तक दे देता हूँ मैं लास्ट, देखिए कितनी प्यारी है। मतलब कस्टमर को 100-150 के बीच में जो चीज़ चाहिए ना वो सब मिल जाएगी। 140 लिखा है, 120 लास्ट, ये कलर में है, मतलब कस्टमर वापस नहीं जाएगा इससे। वरना आप बड़े बड़े कोलाज लियाओगे, बड़े बड़े ये लियाओगे, इस तरह के कोलाज, बड़ी बड़ी सीनरी लियाओगे। अब हर बंदे की जेब का पैसा अपने हिसाब से लेके चलता है, हर एक की जेब अलाउ नहीं करती खुले खर्चे के लिए, और बंदे को जाना भी जरूरी होता है, तो इस तरह के आइटम भी बंदे ले जाते हैं। छोटी भी नहीं है, चीज भी अच्छी है, और कम पैसे रखते हैं, कम पैसे वाली चीज ज्यादा बिकती है। फिर ये वाली आ गई, ये 330 इस पे लिखा मैंने, 300-350 रुपये मैंने लिखा होगा इसे, एक मिनट देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया, एक मिनट थोड़ा सा बताऊँ, यह 360, ये 320 लाश देता हूँ मैं, 320। ये थोड़ी अलग क्वालिटी है, हटके ना एकदम क्लियरिटी, एकदम वुड वाली देखने में लगती है, और बड़ी भी है। तो ये 300 तक मैं इसको देता हूँ, इससे कम नहीं देता मैं। इसमें राधा किशन जी और गणेश जी, फिर आती है ये अलग क्वालिटी, इस पे लिखा है मैंने, ये 430 लिखा होता है, इसे 380 लाश देता हूँ मैं। इसमें घड़ी भी है, और आपका देखिए राधे राधे कितना प्यारा मतलब बना हुआ है, घड़ी की घड़ी होगी, दीवार घड़ी और भगवान की फोटो, टू इन वन हो गया इसमें। इस तरह की चीजें आपने ज्यादा लानी है, ये चीज कभी नहीं रुकेगी, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये लानी है, इस तरह की जो चीजें दिखाई है ये आपने ज्यादा लानी है। ये शंकर भगवान की देखो, इसमें ये तो साइड पेन स्टैंड है, ये घड़ी है, और ये अलार्म घड़ी है, इसकी जो मैंने चेक करी थी वो अलार्म घड़ी थी, ये वाली ना ये अलार्म नहीं है, वो पहले वाली अलार्म थी, ये बिना अलार्म है। तो घड़ी भी है, पेन स्टैंड भी है, शंकर भगवान की फोटो भी है, महाकाल वाली। तो इस तरह की चीज में आप कोई भी डिजाइन लाए ये लगभग चलेगी, कोई टेंशन नहीं है इसमें कि ये करना है वो करना है, कुछ आपने पेच लगाने हैं, लाओ और पैक कर दो, कस्टमर को बहुत पसंद आती है। इस तरह की चीजें ज्यादा बिकती है, कोलाज हो गए अब कम बिकने, मेरे को तीन साल हो गए ना पड़े हुए, अब तो रेट भी गिर गए होंगे, कुछ तो खराब भी हो गए, टूट गए कुछ तो इसमें से, और उसमें भी कुछ टूट गए हैं, जैसे मैंने एक आपको दिखाया था ये रहा, और भी अंदर टूटे पड़े हैं, इसमें कोई टूटने का चक्कर नहीं, अपना चेक करो ले आओ, वो अंदर से कई बार प्लास्टिक उनका टूटा हुआ निकलता है, और कोलाज चलते भी कम है। ये चीजें आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, भगवान की फोटो सबसे ज्यादा चल रही है ये। फिर आते हैं लाफिंग बुद्धा, ये छोटे छोटे लाफिंग बुद्धा देखिए, इधर घुमा दिया कस्टमर ने, ये छोटे छोटे, ये जो मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ी बात, जो बड़ा गिफ्ट है ना ये ले जाते हैं, किसी के घर में लेके जाना है, किसी के बर्थडे पे चले गए, किसी के जो घर की ओपनिंग हो रही है, किसी की दुकान की ओपनिंग, या इस तरह की किसी चीज में। और जो ये छोटे गिफ्ट है ना ये होते हैं, जैसे लड़की अपनी फ्रेंड को देती है, लड़के एक दूसरे को देते हैं, वो ज्यादा बड़ा गिफ्ट लेके जाते हैं बर्थडे पे चले गए, या आम रूटीन में दे दिया, तो ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट लेके जाते हैं। गणेश भगवान जी है, ये लाफिंग बुद्धा अच्छा रहता है, ये पेन स्टैंड हो गया, इसमें गणेश भगवान जी है, पेन स्टैंड भी है, ये अच्छा हो गया। और इस तरह की भगवान की मूर्तियां, मूर्तियां मेरे यहाँ कम सेल होती है मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं ज्यादा लाता नहीं हूँ। फिर इस तरह के लाफिंग बुद्धा के सेट भी अच्छे बिकते हैं, ये वाला मेरा 500 का है, ये 300 का बेचता हूँ मैं, मतलब ये बड़ा है तो 500 का पूरा सेट है, ये शोकेस में सजाने के लिए होता है, अच्छी सेल होती है इसकी भी, और ये 300 रुपये का होता है। फिर आती है कि ये घड़ी, इसमें स्टैंड भी है, मैं उतार के आपको दिखा देता हूँ, मतलब इस तरह की आइटम आपको लानी है, 200 रुपये की सेल की है, 200 रुपये में क्या आता है, ये आजकल जो है ना जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनके लिए गिफ्ट जाते हैं। ये पेन स्टैंड हो गया, ये अलार्म घड़ी है, ये वाली अलार्म घड़ी है, और शो पीस का शो पीस हो गया, इस तरह की आइटम आपकी चलेंगी। और लाफिंग बुद्धा ये भी बिकता है, आपकी अलार्म घड़ियाँ भी होगी, ये की हो गया फैन और लाइट, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये भी चलता है, अच्छी बिकती है ये फैन और लाइट। अब ये देखिए, ये तो हो गई लाइट, अगर उसको पढ़ाई करनी है तो लाइट है, अब अगर उसको पढ़ाई नहीं करनी और खाली हवा खानी है वो पढ़ाई कर रहा है, तो देखिए उसको स्पीड है, फिर सेकेंड स्पीड, फिर थर्ड स्पीड, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, आवाज़ आ रही है आपको, ये देखिए पन्ने, ये पन्ने उठ रहे हैं, और ये देखिए आवाज आपको आ रही होगी, तो ये अच्छा सेल होता है। इसका रेट आपको बता दूं, मैं हर चीज का आपको रेट बता रहा हूँ, इसका मैंने 260 डाल रखा है, ये लास्ट 230 220 बहुत जानने वाला, वरना 230 पंखा, ये अच्छा सेल होता है। तो गिफ्ट का गिफ्ट छोटा, ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा जाता है और बड़े बच्चों के लिए भी, और चार्जिंग पॉइंट इसमें बना है, चार्जिंग केबल इसके साथ आती है, इसमें शायद नहीं है, वरना अलग से मिल जाती है आपको, 10-20 रुपए की चार्जिंग केबल मिल जाएगी। अगली आइटम आती है हमारी टेबल लैंप, टेबल लैंप की बड़ी डिमांड आती है, ये टेबल लैंप प्लस लाइट लैंप है, और कलर इसके अलग अलग मल्टी कलर है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर आ गया वाइट, वाइट है थोड़ा डाउन में, फिर और तेज करनी और तेज, फिर और तेज करनी और तेज,
फिर और तेज करनी और तेज। आपको मोबाइल के कैमरे में तो ये दिख नहीं पाएगी लेकिन बहुत तेज है। अब ये वाले इसमें मैंने 600 रुपये रेट डाल रखा है। चार्जेबल ही आइटम है ये वाली, चार्ज होने वाली आइटम है ये, चार्जिंग पॉइंट है इसका। इसका रेट 600 डाला है लेकिन मैं लास्ट जो है वो 450 से कम नहीं बेचता। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, लोग इससे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं जो टेबल लैम्प, पुराने टाइप का टेबल लैम्प आता ना पड़ने वाला, कुछ लोहे वाला जो पहले चला करता था हमारे टाइम में, वो ज़्यादा मांगते हैं। अगर आप वो लाओ मिल जाए तो वो भी आप ला सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप जब भी लाएं ना इसको चेक करके लाएं, इसकी चार्जिंग भी अंदर चेक करें केबल है नहीं है, और पूरा तसल्ली से चेक करके लाएं और दुकानदार से पूछ रहे बैकअप कितना है। वैसे तो मैं कस्टमर को कह देता हूँ भैया बैकअप का हमें नहीं पता, ना कोई ब्रांड की आइटम है, सब दिल्ली में चाइनीज मेड माल होता है फैंसी, लेकिन फिर भी बिक जाता है। लेकिन आप फिर भी एक कंफर्मेशन करके लाइए, तो मैं चार्जिंग वार्जिंग सब चेक करके लाता हूँ इसको, और सब पीछे कोई टूटा होना निकले, इन चीज़ों को सबको आपको चेक करके लाना है। एक चीज़ और, इसमें केबल भी चेक करनी है, देखो इसमें केबल पड़ी है ना, केबल भी चेक करनी है, केबल है नहीं है क्यों हम 10-20 रुपये फालतू करते। तो ये चीज़ें आपको मेन पॉइंट है जो चेक करके लानी है, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। अगली आइटम आती है अलार्म घड़ी। मेरे पास अलार्म घड़ी है, मैं दिल्ली से लाता, ये वाली आइटम यहाँ नहीं मिलती, दिल्ली से लाता, सब खत्म हो गई। इसमें पेपा पिक थी ये थी, और एक पुराने जमाने की ट्रेन ट्रेन करती है ना कि वो दिवाली पे लाया था 12 पीस, वो 2 महीने में खत्म हो गए थे, यहाँ साथ मिले ही नहीं मेरे को। तो ट्रेन ट्रेन वाली जो मतलब आप ना थोड़ी आइटम ऐसे रहे जो एकदम अलग हो बिल्कुल सबसे, मैं यही चीज़ें ज़्यादा ढूंढता हूँ कुछ अलग ही। तो इस तरह की अलार्म घड़ियाँ सिंपल वाली है, ये 200 रुपये सेल किया है, ये 350 रुपये सेल किया, थोड़ी बड़ी है। तो अलार्म घड़ियाँ भी आप ला सकते हो, ये भी गिफ्ट में चली जाती हैं। और आपके पेन स्टैंड की वैरायटी ले लो अपनी, जैसे ये लकड़ी वाला भी पड़ा है मेरे पे, ये भी पड़ा है मेरे पे, ये पेन स्टैंड पड़ा है, कुछ मेरे पे खत्म हो चुके हैं, तो आप पेन स्टैंड की भी वैरायटियां ला सकते हो। तो इस तरह की वैरायटी बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा चलती है पेन स्टैंड की, ये छोटा लैंप हो गया बच्चों का, इस तरह का LED वाला ना छोटा लैंप हो गया। और ये कछुए भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ना अपने माँ बाप के लिए 50-60 वाला या अपने दोस्त को देने के लिए ये कछुए ले जाते हैं कांच की, ये रखना अच्छा होता है, दुकान पे गिफ्ट देते हैं लोग। और ये लाइटिंग वाली है, जैसे मैं पहली बार लाया अभी मैंने बेची नहीं है, मैं आपको बताऊँ बेची है, ये लाइट वाली है, एक बार आपको जला के दिखाता हूँ, मैंने सेल नहीं करी, 280 मैंने लिखा है लास्ट इसका मेरा बेचना रहेगा, 240 या 250 रुपये लास्ट। अब जला के दिखाता हूँ इसको, ये जल्दी है डिम्पल मार रही है, मतलब देखिए कभी जल्दी है कभी अभी, ये है जलने के बाद, लेकिन अच्छी आइटम है। और इसमें छोटे वाली भी पड़ी है, वो 150 रुपये सेल किया है। तो इस तरह की आइटम देखो मेरी अभी बिकी नहीं है, आप देख लेना लानी हो ना लानी हो, मेरी पहली बार लाया हो लेकिन अब तक 2 महीने हो गए बिकी नहीं है ये। और लफिंग बुद्धा है बड़े वाला भी है, लफिंग बुद्धे लगभग बिक जाते हैं। और लाइट वाली आइटम ऐसी है कि नहीं बिकती, लाइट वाली बिकते हैं मेरे पास, और आइटम थी वो सब बिक चुकी है। लाइट वाली ऐसा नहीं कि नहीं बिकती, बिकती है, ये कब आता है लाइट वाला, इसमें आप कुछ भी डालोगे तो एकदम लाइट ऐसे जलेगी। ये वाला 150 रुपये सेल है, मतलब मैं 130 रुपये तक का देता हूँ, इससे कम नहीं देता। एक बार आपको दिखा देता हूँ लाइट वाला कैसा होता है ये। तो ये ऐसा है कुछ देखने में, और अंदर देखिए इसके LED लगी हुई है लाइट, अब इसे दिखाता हूँ ये कैसे चलेगा। ये देखिए ये जैसे हिलाऊंगा तो लाइट जलेगी, देखिए ये देखिए ये ला, देखिए लाइट जलेगी, जैसे जैसे हिलेगा ये तो लाइट जलेगी। तो ये सस्ती और अच्छी चीज़ है, बच्चे खुश होकर ले जाते हैं इस आइटम को, ये देखिए। तो बढ़िया आइटम है ऐसी ऐसी, ये लाइटिंग वाली स्पेशल बहुत आती है, मैं लाता रहता हूँ लाइट वाली आइटम, तो ये आइटम तो लगभग बिकती रहती है, इसे जरूर लाना इसे। अच्छा बच्चे जो बड़े होते हैं उनके लिए मग भी चलते हैं, छोटे बच्चों के लिए। अब मग में मैं बता दूं, जो है महंगे मग ये लास्ट जो है मैं 300 रुपये का सेल करता हूँ, लेकिन बड़ा कम सेल होता है, ठीक है। ये सिपर है, मैंने काफ़ी रखे हैं, ये देखिए कितने मेरे नीचे भरे पड़े हैं, और काफ़ी घर मतलब अब इनकी सेल नहीं रही। सिपर के टूटे भी निकल आते हैं, ये देखो ये टूटा हुआ निकला, ऐसे बहुत टूटे भी निकलते हैं और लीक होते हैं नीचे से, क्योंकि प्लास्टिकिंग का हल्का होता है। तो सिपर मेरे हिसाब से ना लाएं, ये वाले मग ना लाएं। अगर आपने कप लाना ही है, जैसे ये हो गया 150 रुपये सेल में, ये चम्मच है ये कप है, ये वाला हो गया टेडी बियर है कप है 250 रुपये सेल में, ठीक है। और आपके सिंगल मग हो गए, जैसे ये भी कम भी बिकते हैं, मैं आपको बता दूं इस तरह के 130 रुपये सेल के आइए, इसमें काफ़ी डिजाइन आते हैं, सारे डब्बे पड़े हैं जो इनमें हैं, ये बहुत सेल होता है, क्योंकि 130 रुपये का 120 तक सेल हो जाता है, मैं इतने का 120 लास्ट होता है, इसे कम मैं सेल नहीं करता क्योंकि फिर पड़ता नहीं खाता। तो ये वाले आइटम इस तरह के कप लाने हैं, अब ये कप भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये ना लाना, मेरे पे बहुत माल पड़ा है, इनमें भरे पड़े हैं ये, एक एक साल तो ऊपर हो गए भरे पड़े हैं। तो मग ये वाले देखो बड़े बड़े मग भरे पड़े, ये ना लाना, लाने हो आपने मग इस तरह के कांच के लो, इसमें कलर और वैरायटियां बहुत आती है, इसमें गुड्डे बने हुए वो भी आजकल आने लग गए हैं, ऐसे कप लाओ ये ज़्यादा बिकेंगे, ये थोड़े कम बिकेंगे लेकिन बिकेंगे। और एक और आपको बताया था ये लाइट वाला, ये वाला, बाकी डबल वाले कॉफी मग ये नहीं बिकते, इस तरह के नहीं बिकते, ये बिक जाएंगे आपके टेडी बियर वाले, इसमें पिंक कलर रेड कलर इस तरह के लाना, ये मेरे पे 2 रह गए, ये भी आपके सेल हो जाएंगे। अच्छा फिर ऊपर पिगी बैंक, ये अच्छे खाते सेल होते हैं बच्चों के लिए, ये प्लास्टिक वाला तो ऐसा ही है 70 रुपये का सेल करता हूँ, 60-70 का, ये वाला 250 है, ये 200 रुपये का, ये वाला ये 220 है, पीछे जो लग रहे हैं ना वो बड़े वाले वो 300 रुपये सेल के हैं। फिर ये होगी डायरियाँ, जैसे ये होगी
ये आज भी मैंने 3-4 बेची हैं। ये मैं लास्ट 220 बेचता हूँ, 250 लिखा है, 220 लास्ट है। और ये है इसमें 300 लिखा हुआ, ये वाली ये 260 रुपये लास्ट बेचता हूँ। बहुत जानने वाला 260 बन रहा, 270, 280, 260 बिल्कुल लास्ट होता है। और पैकिंग मैं सबको फ्री करके देता हूँ, पैकिंग का मेरा कोई चार्जेस नहीं होता, जबकि और दुकानदार वाले जो है मेरे आसपास वो पैकिंग के पैसे लेते हैं, लेकिन मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। तो कस्टमर पूछता भैया पैकिंग के पैसे, मैं कहा नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ एक ये 1-2-3 वाला आता है बच्चों का, 1-2-3 ABCD इस तरह का निकाल के लगाने वाला, ये वाला ऐसे निकालो और लगा दो, मतलब बच्चे की माइंड को शार्प करने के लिए। ये चीज़ें भी चलती हैं गिफ्ट में, और डायरिया वगैरह तो चलती चलती हैं, इस तरह की डायरिया भी होती है कुछ, कई लोग ये भी ले आते हैं इस तरह की डायरिया जो हम कंपनी वाले यूज़ करते हैं ना, लोग इनको भी ले आते हैं। कुछ नहीं पता कौन क्या ले जाए, मैं आपको सही बताऊँ, बस ये कि जो रनिंग आइटम है ना जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो बिकती है आज की डेट में, सिंड्रिया हो गई और ये भगवान की फोटो होगी इस तरह की, और ये इस तरह के जो स्टैंड बताए मैंने आपको, और इस तरह की चाबी लगाने वाले, साथ में भगवान की फोटो भी है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ही चलती हैं। और टॉयज में मैंने आपको वीडियो डाली रखी है जो कार में चलती है, और सबसे ज़्यादा नंबर वन स्टंट कार होती है बड़े वाली, इसका छोटा साइज जाता है, इसमें म्यूजिक नहीं है ना लाइट है तो कम चलती है, ये ज़्यादा चलती है। 550 की लास्ट सेल करता था मैं, और ये बिना रिमोट वाली है, ये 230-220 की सेल करता हूँ इसको मैं। बाकी आइटम खिलौनों की तो बहुत है, मैंने वीडियो बनाई हुई है खिलौनों की, बार बार नहीं बना सकता क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। और इस तरह की कारें बहुत चलती है बिना सेल वाली, धक्का कार कहते थे, ये 200 रुपये सेल किया है, ये 120 रुपये सेल किया है, ये भी 200 रुपये की सेल किया है। तो ये क्या ऐसा होते हैं हाथ से मारने वाली, बचपन में हम करते गए करती थी ये, इस तरह की आजकल लोग छोटे बच्चों के लिए लेते हैं। और ये दादू बोलने वाला टॉयज है। बाकी ये इस तरह ये पियानो हो गया बिना सेल वाला, इसे नाम भूल गया मैं क्या कहते हैं, तो वीडियो बनाते बनाते मैं खुद भूल जाता हूँ। और कैटकस बहुत चलता है ये डांसिंग कैक्टस, ये हेलो गाइस, ये वाला देखा होगा आपने, ये बहुत चलता है, अच्छी खासी सेल है इसकी। बाकी टॉयज में तो बहुत आइटम आती हैं, काफ़ी ख़त्म भी है मेरे पे, मेरी भी कोई बिकती है कोई नहीं बिकती, ऐसी चलती है, लेकिन जो गिफ्ट में चलने वाले आइटम है ज़्यादा वो ये चलते हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी डोम्स की किटें आप रखना चाहो वो आपकी मर्जी है, मैंने कम कर दिया पहले से, मैं लोगों को डोम्स की किट बहुत बाद में दिखाता हूँ, पहले और आइटम में दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें बचत ही क्या होती है, पैकिंग भी करके दो तो हाथ में 20-25 रुपये भी मुश्किल से हाथ में आते हैं, तो इसलिए मैं डोम्स की किटों पे कम ही ध्यान देता हूँ, पहले मैंने बहुत भर रखी थी। तो पेन स्टैंड ला सकते हैं आप एक से एक, गाड़ी ऐसी छोटी गाड़ियाँ भी जाती हैं, ये भी लोग ले आते हैं गिफ्ट में। बाकी इस तरह की आइटमें जो ज़्यादा चलती है, लगभग जो चलती है वो भगवान की इस तरह की आइटमें चलती है, इस तरह की सिंधी होगी, भगवान की फोटो होगी, चाबी वाली होगी, घड़ी वाली होगी, इन आइटमों पर जोर देना है। ये आइटम होगी, एक मैजिक मिरर आता है मेरे पे ख़त्म है, उसमें आप शीशे में शक्ल देखो और उसमें डॉक्टर होता है, लाइट भी जलती है उसके अंदर, आप फोटो लगा सकते हो, फोटो फ्रेम टाइप का होता है मैजिक मिरर, नेट पे सर्च मार के देखना इमेज में मैजिक मिरर, वो मेरे पे खत्म है, फिलहाल मिल नहीं रहा है। वो अच्छा खासा सेल होता है, इनकम भी देखा जाता है उससे, छोटा और बड़ा साइज होता है सब बिकता है। एक ये टैबलेट होता है बच्चों के लिए, ये भी बिकता है, ये छोटे वाला मैं 130-140 का सेल करता हूँ, बड़े वाला 250 का इसमें। तो इस तरह की आइटमें, बाकी आइटमें तो बहुत होती है, देखो लाखों आइटमें मेरे पास जो रखी मैंने उस हिसाब से आपको वीडियो बना दी। और देखो महंगी महंगी आइटम पर जोड़ना डालना, ये भी देखो अभी ये माल नहीं दिखा, ये भरा पड़ा पिछली दिवाली पे लाया था आइटम, एक लिमिटेड रेट पे सिंध भी 200 तक, इससे ऊपर ना लाना कम बिकती है, लाओ तो 2-4 पीस, मतलब एक अपने हिसाब से सोच कर आओ, जितना आपका पैसा है उसे लिमिट हिसाब से लगाना, दीवार घड़ी ना लाना, नुकसान ठाकों को ज्यादा कमाई नहीं होती, पैसे इतने मिलते नहीं है, दीवार घड़ी ना लाना, फिर खराब निकलती है वो अलग मैटर है, तो दीवार घड़ी भी मैं मना ही करूंगा आपको ना लाएं। इस तरह की आइटम ले आपको, ये चाइना मेड आइटम मिले, इस तरह के पेन स्टैंड हो गए, इस तरह के हो गए, तो यही आइटमें हैं जो चलती हैं, लोग लगभग जो ध्यान देते हैं वो इन पे देते हैं। पानी की बोतलें भी चली जाती हैं, कई लोग पानी की बोतल ले आते हैं मिल्टन वगैरह की, लेकिन ज़्यादा इनकम होती नहीं है, फिर पैकिंग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इनकम वाली चीज़ें लो ऐसी ऐसी जिन पे प्रिंट नहीं होता, इस तरह की चीज़ें भगवान की फोटो ज़्यादा चलती है, इस तरह की 12 महीने ही चीज़ें चलती हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान दो। ये भी एक फोटो फ्रेम है 2-3, ये भी दिखा दूँ, ये भी आपके बिकेंगे, क्योंकि मेन चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। ये 170 लिखा है 150 सेल में, जो छोटी तरह की आइटम होती है ना, छोटी घड़ियाँ भी चलती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा घड़ियाँ रखो, मेरी भी बहुत फंसी हुई है। जो इस तरह की छोटी आइटम होती है, ये जैसे लड़की अपनी सहेलियों को गिफ्ट देती हैं, या और दूसरों को गिफ्ट दे दी, अपने को रिश्तेदारों में सहेलियाँ देती हैं, तो इस तरह की, ये इस तरह में ज़्यादा चलती है फोटो फ्रेम, इस तरह के हो गए, देखो 150 में कितना प्यारा चीज़ है। ये 260 वाली, इसको भी खोल के दिखाता हूँ आपको, ये 260 लास्ट, 220 का देता हूँ उसमें पैक करके लास्ट, देखिए कितना प्यारा है, मतलब रखने वाला है, फोटो लगाने वाला अच्छा है। फिर एक और है, ये भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 150 में कितनी प्यारी आइटम है, देखिए एकदम गजब, इसमें काफ़ी कलर आते हैं। तो मैं मिला जुला के ही आइटमें रखता हूँ अपनी दुकान पे, 150, 200, 250, 300, ये आइटमें इस रेट पे ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा महंगी आइटम तो कम ही चलती हैं, जो क्यों हर किसी का बर्थडे आ रहता है थोड़े दिन बाद, तो कहता भैया मैं 100-150 में दिखाता हूँ जो दिखाना है, उन्हें कोई फर्क नहीं है, चीज़ कहती है वो 100-150 में ही ले आते हैं चीज़। और गिफ्ट आइटम में ये पॉम पॉम हो गए, ब्लॉक्स हो गए, 10-in-1 गेम हो गए, इसमें लूडो वगैरह के गेम है,
मतलब मैग्नेटिक लूडो, शतरंज होगी, इस तरह की आप ये चीजें भी गिफ्ट में अच्छी खासी चलती है। क्योंकि जैसे गत्ते वाली लूडो हो गई वो 90 की 100 की बिक जाती है, मैग्नेट वाली 200 की बिक जाती है, कोई 250 वाली है, कोई 150 वाली, सब अलग अलग रेट की लूडो होती है। तो ये चीजें बिकती रहती है, अच्छी सेल होती है, और ये बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम बहुत चलती है। ये होता है फोम वाला पैड, मतलब ABCD सीखने के लिए भी, और ये जोड़ के ना आपस में इन्हें फंसा के तो एक मैट बन जाती है बढ़िया। तो ये भी चीज़ अच्छी सेल होती है। और सॉफ्ट टॉयज मतलब भी टेडी बियर अगर आपके यहाँ बिकते हैं तो लेना, स्टार्टिंग में मत लेना। मेरे देखो 1, 2, 3 ये पड़े हैं, इसके पीछे हैं, ये देखो ये नुकसान बड़ा होता है, गंदे हो जाते हैं। देखो ये कहते हैं गंदे हो पड़े पन्नी फटने के बाद, पन्नी बड़ी महंगी आती है। बड़े वाले टेडी बियर की पन्नी 50 रुपये की एक पन्नी है, जो ओरिजिनल वाली चैन वाली पन्नी आती है। ये 5 वाली पन्नी चढ़ा के तो वैसे नहीं बिकता, मुझे घाटे में बेचने पड़े थे। मतलब स्टार्टिंग में आपने टेडी बियर नहीं रखने। और भी दिखा दूँ, और भी डॉल मेरी सड़ रही होगी पड़ी, देखो ये डॉल ये सड़ी पड़ रही है, 1 साल हो गया थे भी पन्नी में डाल रखे। ये सॉफ्ट टॉयज ना बस थोड़े दिन में गंदे हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में सॉफ्ट टॉयज ना रखना। स्टार्टिंग आप इन चीज़ों से शुरू करना, ये फ्रेम तो अच्छा, ये जो है ना ये सिंधिया, ये शीशा नहीं लगा तो कुछ अलग ही चीज़ होती है, ऐसा लग रहा है शीशा लगा है, मतलब इस तरह का देखने में लगता है, कुछ अलग ही चीज़ होती है। और भी बहुत टाइप की सिंधिया आती है, सिंधियों में आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के रख लो, ये भगवान की फोटो वगैरह। स्टार्टिंग इन चीज़ों से शुरू करो, थोड़े बहुत कप रख लो, स्टार्टिंग ये चीज़ें कम रख लो, मतलब जैसे जैसे डिमांड है उसके बाद बढ़ाओ आप, वरना एकदम नहीं कि आप जो मर्जी ला कर रख लो। अब क्या पता ये चीज़ आपके यहाँ बिके ना बिके, मेरे यहाँ बिक रही है, आपके यहाँ ना बिके। तो इस तरह की आइटमें जो है आप अपने हिसाब से जैसे जैसे कस्टमर है उस चीज़ को आप बढ़ाते रहना, क्योंकि स्टार्टिंग इन्हीं चीज़ गिफ्ट इन्हीं को मानना है, तो सबसे ज़्यादा गिफ्ट इसी तरह के चलते हैं। और दीवार घड़ी पहले दोबारा कह रहा हूँ, दीवार घड़ी के चक्कर में ना पड़ता, मैंने भी निपटाई है, 20-30 रुपये बेचता है सेल्स डाल के, ज़्यादा कोई इनकम नहीं होती इनमें। और स्टडी टेबल है, अब लोग कहते हैं भैया ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, बड़ा पंगा है। एक ये खराब हो गई, अंदर पड़ी है, बाहर पड़ी लगा रखी है, खराब हो गई, अंदर भी 1-2 पड़ी होंगी, ये टूटी बड़ी निकलती है, खराब निकलती है। स्टडी टेबल भी स्टार्टिंग में ना रखना, अगर रखनी हो तो ये वाली एक पीस रख लेना, एक पीस ऐसे रख लेना। अब कस्टमर क्या इसमें डिमांड करेगा कलर का, और बहुत वैरायटी आती है, तो स्टार्टिंग में क्या मेरी मानो हल्के हल्के बिजनेस को बनाओ ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एकदम से छलांग मारोगे तो मुंह के बल गिरोगे, हल्के हल्के बिजनेस को हल्के हल्के बढ़ाओ। ये देखो भगवान की मूर्ति गिरी पड़ी है प्रभु, ये देखो अखंडित होगी, कोई बच्चा गिर गया होगा। ये कार ये देखो, कस्टमर ने कार उठाई थी और ये होता नुकसान, देखो ये गिर गई भगवान की मूर्ति। उन्होंने बताया भी नहीं कि भैया आपकी चीज़ टूट गई, क्योंकि मैं दुकान पर अकेला रहता हूँ और कस्टमर इतने होते ही भीड़ लग जाती है मेरी दुकान। मैंने 15 दिनों की दुकान नहीं सेट करी, देखो कहते फैली पड़ी है मेरी दुकान, देखो क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, तभी तो वीडियो लेट होती है। अब ये क्या नुकसान ही तो है, कस्टमर खुद हाथ मारेगा ना, हमेशा नुकसान देगा, ये चीज़ ध्यान रखना, खुद निकाल के दो। अब उसने मेरे को ये कार पूछी थी कितने की, मैंने कहते नहीं किया, देखो अब क्या कहे कोई, भगवान की बताओ मूर्ति तोड़ दी प्रभु हैं, अब इन्हें जल प्रवान करना पड़ेगा। ये नुकसान ऐसे ऐसे बहुत होता है मेरा, ऐसे इनमें भी पड़ा, ये भी टूटे पड़े, इनके सारा लगा यहाँ से, ये सारा खराब हुआ पड़ा ये भी। तो कस्टमर जब खुद हाथ मारता है ना, मेरी कई बार चीज़ें टूट गई हैं, कई बार ये टेबल जो है ना ये टूटी पड़ी है, ये खराब पड़ी है, पीछे वाली एक और ये कस्टमर नहीं तोड़ी है। तो अपनी दुकान का मैं तो अकेला हूँ, देखो मेरी मजबूरी है, लेकिन आप अपने हिसाब ऐसा रखो कि कस्टमर खुद ना हाथ मारे, आप खुद दिखाओ। अभी तो मैं खुद कस्टमर को दिखाता हूँ, लेकिन जो डेली आने वाले हैं वो खुद हाथ मारते हैं तो टूट जाती है। अब नुकसान तो नुकसान ही है, क्या आदमी ने कमाना। तो दोस्तों ये चीज़ें इस तरह के ब्लॉक भी चलते हैं, ये वाले पाइप वाले ब्लॉक्स है ना, ये वाले ये 150 लिखा, मैं 130 लाख सेल करता हूँ। जैसे दूसरे ब्लॉक्स आते हैं ये पाइप वाले हैं, मतलब ये भी अच्छी आइटम है, अच्छी बिकती है। इस तरह की आइटम डॉल होगी सजाने वाली, ये कम बिकती है, पहले बता दूँ, मेरे यहाँ कम बिकती है, आपके यहाँ का पता नहीं, मेरे यहाँ कम बिकती है। बाकी मैंने आपको अभी स्टंट कार दिखाई थी, ये वाली स्टंट कार है, और एक ये होती है वो स्टंट कार चार्जिंग वाली होती है, अभी दिखा रहा, और ये कार होता है ये शोकर वाली, ये भी अच्छी होती है। ये मैं 800 रुपये की लाइट बेचता हूँ, 750-800, इससे कम नहीं बेचता, 750 से कम बिल्कुल नहीं बेचता मैं। तो इस तरह की कारें मेरे यहाँ तो बिकती हैं, आपके यहाँ नहीं बिकती, तो आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कौन सी कार मांग रहे हैं। ये रिमोट वाली है, छोटी भी आती है इनमें, बड़ी भी आती है, बहुत है कार, ये बड़े साइज की है, तो बहुत चीज़ें आती हैं, ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग जो है आपने वहीं से शुरू करनी है, जो बेस है आपका ये है समझो, इन तरह की चीज़ों से आपने फोटो फ्रेम थे और इन चीज़ों से शुरू करना, थोड़ा बहुत इस तरह से डालना, तो हल्के हल्के जैसे कस्टमर है फिर आप बढ़ाते रहना, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या आपका नुकसान नहीं होगा, कस्टमर तो वापस जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा। अब शुरू में आपने माल डाल लो और कस्टमर आए ना लेना, तो फिर आपका नुकसान ही है। जैसे मेरी बोतलें मैंने आपको दिखाई थी कितनी बची पड़ी है, ये मग वगैरह देखो कितने बचे पड़े हैं, तो अपने हिसाब से चलो हल्के हल्के, तो कभी मुंह के बल नहीं गिरोगे, कभी नुकसान नहीं होगा। तो मैं भी ऐसे ही किया था, ये नुकसान ही है मेरा सारा, ये पेन में स्टार्टिंग में लाते, देखो आज क्या हाल हो रहा है इनका। तो आराम आराम से अगर हल्के हल्के चलोगे तो जिंदगी में कामयाबी रहोगे। अब मैं हर चीज़ को देखभाल के चलता हूँ, मुझे पता लग गया क्या चीज़ चलती है क्या नहीं चलती, तभी मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ, क्योंकि जो नुकसान मेरा हुआ है मैं नहीं चाहता मैं कि आपका भी किसी भाई का
नुकसान हो मेरी तरह। दोस्तों आपको ढंग से मैंने वीडियो बना दिया डिटेल में, और देखो मैंने दिन में वीडियो बनानी शुरू कर दी और रात के 10 बजने वाले हैं, रात के 10 मेरे को इतना टाइम हो जाता है, मतलब वीडियो कस्टमर आया रोक देता हूँ वीडियो, ये नहीं पता लगता मैं बोल के आ रहा हूँ कई बार, फिर देखना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वीडियो बनाने में। वीडियो बनानी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत चीज़ें लगती हैं। तो मैंने आपको ढंग से हर चीज़ डिटेल में बताई, लेकिन चलना इसी हिसाब से, आपने कभी मात नहीं खाओगे बिजनेस में, हल्के हल्के चलोगे ना, एक एक सीढ़ी कदम करके, एक एक सीढ़ी कदम पे, तो बहुत सही रहेगा। आप सीधा आप दो दो सीढ़ी तीन तीन सीढ़ी कूद के चलोगे तो पैर अटक के नीचे गिरता है ना बंदा, वही बिजनेस का हाल होता है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भी ज़्यादा जितना शेयर करोगे ना लाइक करोगे तो वीडियो और फैलेगी और किसी का नुकसान ना हो, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि किसी का नुकसान ना हो भाई बहन का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम।